सिठौली में घुड़दौड़ का आयोजन हो रहा है और एक घोड़ा आया हुआ है, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, आपका नाम फिल्मों में भी लोगों ने बहुत सुना है। वो जो आपकी मर्जी है। अच्छा ये बताइए, आप घोड़ा पर खुद सवारी करते हैं? खुद करते हैं। क्या उम्र है आपकी? 45-50। अच्छा 45-50 साल है उम्र आपकी। कितने साल से आप घुड़सवारी करते हैं? कम से कम 12 साल, भाई के साथ बैठते थे 12 साल से, उसके बाद फिर अकेले बैठते हैं जी। ये किस प्रजाति का घोड़ा है आपका? ये मारवार, राजस्थान वाला जी। कितने साल से पाला है आपने इसको? लाया दूसरा, हम ले आए, 1 साल हो गया। अरे बाबू भाई, 1 साल हो गया जी। भाई कितने का होगा ये घोड़ा आपका? अब हम तो लाए 75 का, मगर हम बेच नहीं रहे हैं इसको। 1.5 लाख लग गए, मगर हम काम 2 को भी नहीं देंगे। कि हमको भी शौक है कि हम निकालेंगे अपना बच्चा अपने हाथ, अभी उम्र भी बच्चा है 2 दांत। कितने साल का है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। दो साल का घोड़ा है जी, 2 दांत का बच्चा है भी। बास बाबू बास। तो इसकी खुराक खुराक क्या रहती है इस समय? खुराक इसकी जो मालिक देता है, इसको सब कुछ देते हैं। हाँ, जो हो सकता है वो देते हैं, वो देने को तो इनकी खुराक बहुत है। हाँ, जितना भी दिया जा सके है? जितना भी दिया जा सके उतना कम ही है, घोड़ा को खिला दो जितना। फिर भी दूध कितना पी लेता होगा ये? कम से कम 10 लीटर तो पियेंगे, जो नहीं जो राति पाते हो 5-4 लीटर 2 लीटर 1 लीटर जिसके जो होता है, जिसके नहीं होता नहीं भी देता, ये भी बात। अच्छा 5 लीटर से 10 लीटर तक तो दूध पी जाता है? हाँ पी जाएगा घोड़ा, हमने पिलाया भी है, एक दूसरे घोड़ा को पिलाया, 12 लीटर घोड़ा पी के तब निकलता था जी। अच्छा घुड़दौड़ में और क्या आप लोग सावधानी रखते हैं? जब घोड़े बैठते हैं और रेस शुरू होती है तो और क्या सावधानियाँ रखते हैं? सावधानियाँ यही रखना पड़ता है कि घोड़ा से घोड़ा न लड़े। अच्छा सवार न गिरे, घोड़ा न गिरे, यही सावधानी। बेईमानी न हो, ईमानदारी से जो ऐलान हो वही चाल होना चाहिए, यही। अच्छा बेईमानी होने का डर रहता है? डर रहता है, कोई चौताल भगा रहा है चारों कदम से, कदमबाजी, कोई सर पर लगा के फिर रोक लिया तो वो तो कोई कुछ नहीं, बेईमानी है फिर। अच्छा और घोड़ा का जैसे चौताल हो रहा है तो चौताल होना चाहिए घोड़ा का, सर पर नहीं लगना चाहिए। अच्छा अच्छा सर पर लग जाए घोड़ा उसको निकाल देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। अच्छा वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये घोड़ा है नसीम प्रधान का। किसका है? नसीम प्रधान का। नसीम प्रधान जी का घोड़ा है? अच्छा बड़े भाई। अच्छा बड़े भाई हैं तो बड़े भाई क्या वो जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उस परिवार से है क्या? नहीं नहीं प्रधानी गांव में जो होती है। अच्छा प्रधानी गांव से जो होती है। अच्छा अच्छा नहीं ये क्या वो अबरार साहब जो है उनके गाँव का है क्या है मामला? नहीं ये भीखीपुर के पास में 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा 1 किलोमीटर भीखीपुर में। अच्छा 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 और क्या क्वालिटी है इस घोड़े में? अभी तक कोई रेस हो आपने इसके पहले भी की है कि नहीं की है? नहीं अभी ये रेस है, पहली रेस है। ऐसे तो रेस हुई बहुत, मगर वो रेस कोई खास नहीं थी, मतलब ये पहली रेस करने के लिए लेकर आए। हां ये पहली रेस। अच्छा रेस के पहले वो मालिश हो रही है? मालिश भी होती है? हाँ मालिश होती है, मगर अभी पसीना घोड़ा में इसलिए अभी नहीं होगी, थोड़ा रुक के रुककर पसीना खत्म हो जाएगा तब मालिश होगी। मालिश जरूरी है, मालिश कर देने पर घोड़ा ढील पड़ जाता है। दो दांत को बच्चा अब हुआ है? दो दांत को बच्चा हुआ है। अच्छा अच्छा अभी तक तो बच्चा है, जब तक नेस नहीं आती घोड़े के दंगल में भी भगाने काबिल नहीं रहता। अच्छा आप क्या मानते हैं कि कितने साल में जो है पूरा फुल रेस लाइक हो जाएगा? 6 महीना बाद 4 दांत हो जाए बस रेस लायक हो गया। 6 महीना बाद अभी कुछ दिखाएगा? अभी कुछ दिखाएगा? अभी तो बच्चा है मगर अभी कुछ दिखाएगा। अभी दो दांत का है तब भी दो दांत का है तब भी रेस में अच्छा प्रदर्शन करेगा। जी हाँ ये तो यही लिए तो देख के लिए ले आया गया कि चलो देखें। वालेकुम 36-37 चला था बहन। 36-37 क्या होता है? अरे गाड़ी काटा से। अच्छा स्पीड जो होती है 36-37 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ये चलता है? ये कम बताया जाता है, बाकी 1-2 पॉइंट ज़्यादा कर देंगे, कम बताते हैं घोड़ा को कि कोई अगर कहेगा वो हम देखना चाहते। दादाजी आप बताइए, घुड़दौड़ आप बहुत देखे होंगे। हाँ भैया हाँ देखा तो बहुत। घुड़दौड़ के बारे में बताइए जरा आप आज के समय में क्या सोचते हैं घुड़दौड़ के बारे में? घुड़दौड़ अच्छी चीज़ होती है ना, घोड़ा एक से घोड़ा होती भैया।
अब भागे बहुत तेज घोड़ा हुई है कि जात दूसरी है। हाँ, घुड़दौड़ का मतलब जो वो था, मतलब लोगों को चार्म था, शौक था, वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है? नहीं, ज्यादा हो रहा है, सौ ज्यादा हो रहा है। अब तो घोड़ा बहुत बहुत है इधर, बहुत घोड़ा है, बहुत घोड़ा है, छोड़ने नहीं, बहुत घोड़ा है। दो घोड़ा तो अपने पास है, काला है, कुमेद है, एक से एक घोड़ा है भैया, घोड़े के बहुत अभी यहाँ पे घोड़ा बहुत आए हैं। हाँ, बहुत है, एक से एक घोड़ा है, कोनो 10 लाख के, कोनो 15 लाख के, कोनो 20 लाख के। हमारा तो बहन बच्चा अभी अम्मा काम दिखाया थी, होगी कीमत बढ़ जाए। अच्छा, तो मतलब घुड़दौड़ का शौक बढ़ रहा है? हाँ, घुड़दौड़ का शौक बढ़ रहा है, घटत नहीं, बढ़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। हमारे इलाके, हाँ, बहन कलौरिया से। अब कहा स्मृति ईरानी के इलाके में घुड़दौड़ का शौक बढ़ रहा है? नहीं, बहुत घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ बहुत है, हाँ, बहुत है। अच्छा, जो घोड़ों का प्रदर्शन होता है, इससे दाम वाम भी बढ़ जाते हैं? दाम बढ़ जाते भाई, अब आगे निकल जाए, दाम बढ़ वाले को 1 लाख वाले काटेगा तो इसका कीमत उससे दूना हो जाएगा। फिर क्या बहन, जब बच्चा है, जैसे वो 10 लाख के या काट दे बच्चा घोड़ा, तो फिर 12 लाख हो जाए, वो क्या कीमत डाउन हो जाए, वह 2 लाख पा जाए, 1 लाख पा जाए। हेलो, अभी यहाँ तने घोड़ा बंधे, कौनों 10 लाख, कौनों 15 लाख, कौनों 20 लाख, एक घोड़ा वो वहाँ बंधा है, वो कब 15 लाख दे अपना दिए हैं, वो प्रतापगढ़ क्या है। अगर मान लिया वैसे सामना करके पहले दूसरा आ जाए तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाए। घोड़ा जब इतना देखे शरीर से नहीं होता, जब चाल खोलेगा तब पता चलेगा, चाल दिखाए तो बताए, चाहे बच्चा हुए चाहे चच्चा हुए। अच्छा, खुराक बड़ा माने रखता है घोड़े के, मतलब? हाँ, खुराक तो बहुत रहा था, कहो चोकरा लाओ, कहो कना लाओ, चना आटा, इनका अपना ज्यादा ध्यान दिया पर 24 घंटा इनका खा के चाहे बस। अच्छा, जैसे इस घोड़े की बात है तो इस घोड़े में एक महीने का खर्चा कितना आ जाता होगा खाने का केवल? अगर नॉर्मल खर्चा देखा जाए तो कम से कम 7,000 रुपये नॉर्मल, और अगर हौक खाओगे चना कना चोकर बादाम तो कम से कम 20,000। जैसे सरफराज उनके घोड़ा हैं, ये सब खुराक लिया था 20,000-50,000 महीना का, लिए तो 10-50 घोड़ा उनके लगे, इसे 21 घोड़ा हैं उनके पास। कितने घोड़े हैं? 21। तो देखिए, घुड़दौड़ का एक अलग मज़ा है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि घुड़दौड़ का शौक लोगों में कम नहीं हुआ है, अभी भी है और बढ़ भी रहा है। लोग घुड़दौड़ को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, हर साल यहाँ आयोजन होता है, और लोगों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है कि किसका घोड़ा महंगा होगा। जो घोड़ा आगे निकलता है उसका दाम उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, जो आगे निकल गया उसका दाम ज़्यादा, जो दाम भले ज़्यादा है अगर वह पीछे निकल गया तो उसका दाम कम भी हो जाता है। तो एक घुड़दौड़ में एक बड़ी बात होती है अपने आप में। आज दिखाएंगे आपको किस तरीके से घोड़े दौड़ते हैं और उसका क्या रिजल्ट यहाँ पर आता है और कौन सा घोड़ा सबसे आगे निकलेगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्णमोहन।